गोहाना में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के समर्थन में भाजपा की जिला इकाई ने जिला अध्यक्ष तीर्थ राणा की अगुवाई में अम्बेडकर चौक पर मिमिक्री विवाद को लेकर राहुल गांधी के पुतले का दहन किया है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की गई, जिसका वीडियो राहुल गांधी द्वारा बनाया गया। इसी को लेकर सांसद कल्याण सिंह बनर्जी और राहुल गांधी को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। जिला अध्यक्ष से तीर्थ राणा ने मिमिक्री करने वाले सांसद व अन्य सांसदों द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर किए गए अशोभनीय विस्तारहीन व्यवहार के विरोध में पुतला दहन किया गया और निंदा की गई। इसी को लेकर गोहाना में जमकर प्रदर्शन भी किया गया और मांग करते हुए कहा गया कि विपक्ष को इस पूरे भारत देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। वहीं सदस्यता रद्द करने की भी मांग भाजपा के लोग कर रहे हैं। देश के दूसरे सर्वोच्च पद पर बैठे जयदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति के बारे में जैसे भद्र भाषा, असली हरकतें और जिस तरह की वीडियो बनाकर वायरल करना, मैं मानता हूं कि अशोभनीय है और इसको कांग्रेस का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि भाई विपक्ष को बता देना चाहता हूं, जयदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति पद के लिए गरीब परिवार, किसान परिवार के बेटे हैं, उन्होंने पुरुषार्थ और संघर्ष करके वहां तक पहुंचे हैं। इसका खामियाजा जरूर कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि इसमें जो जो सांसद वहां पे थे, हरियाणा से भी सांसद थे और विपक्ष के भी और सांसद, उन्हें देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। हम भाजपा की सोनीपत जिला इकाई ने आज यहाँ अम्बेडकर चौक के ऊपर राहुल गांधी का पुतला फूंका है और हम कहना चाहेंगे कि राहुल गांधी को भगवान सद्बुद्धि दे। उनको यही नहीं पता कि भी किसकी क्या गरिमा है। राज्यसभा के सभापति हैं और हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, बड़े एजेंट हैं। उनकी मिमिक्री करते हुए एक सांसद की वीडियो बनाना और उसको अपलोड करना कहाँ तक शोभनीय बात है? उनको तो माफी मांगनी चाहिए भाई। इस तरह की बातें, इस तरह की भाषा, देश के बुजुर्गों का सम्मान क्या करेंगे? देश के सांसदों का क्या सम्मान करेंगे? देश के सभापति का क्या सम्मान करेंगे? जिसको ये नहीं पता कि गरिमा पद है, उसकी मिमिक्री बनाते हुए सांसदों खुद रोकना चाहिए कि आप ये बातें ना करें। लेकिन वो खुद अपने हाथों से वीडियो बनाते हैं और वो चाहते हैं कि मैं कल को पीएम बनूं। वो तो एक एमपी या एमएलए बनने लायक नहीं है। हम इसी और प्रार्थना करते हैं और चाहते हैं कि उनको माफी मांगनी चाहिए हमारे माननीय सभापति साहब से और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।